सहराए चोलिस्तान 65 लाख एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। खुश्क इलाका जात में तहकीक व तरवीज के लिए वफाकी हुकूमत ने सन 1974 में एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वेटा के ज़ेर इंतज़ाम एरिड जोन रिसर्च स्टेशन बहावलपुर का क़याम अमल में लाया। इसके बाद सन 1997 में एरिड जोन रिसर्च स्टेशन बहावलपुर को तरक्की देकर इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया गया और सन 2004 में इसे बराह रास्त पाकिस्तान ज़रई तहकीकती काउंसिल के शोबे कुदरती वसाइल के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया गया। ज़रई तहकीक व तरवीज, इलाके के मसाइल का मुनासिब हल और कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल, नई ज़रई तहकीक को किसानों तक पहुँचाने में इदारे का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है, जो कि चोलिस्तान के किसानों के मसाइल को हल करने के लिए अपनी तहकीकी काविशें कर रहा है। क्रॉप साइंसेस व फासलाती रिसर्च प्रोग्राम, क्रॉप साइंसेस एंड आउटरीच रिसर्च प्रोग्राम। इदारे में अहम फसलात मसलन तेलदार गजाई अजनास, दालें, चारा जात और फलदार पौधों को मुतारिफ करवाना और इन पर मुख्तलिफ पहलुओं मसलन शदीद नामवाफिक मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की सलाहियत, पानी की किल्लत को बर्दाश्त करना, बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत और कलरजदा खारे पानी पर अच्छी पैदावार के हुसूल के लिए तहकीक व तरवीज, मरबूत निज़ाम बराए तहफ़्फ़ुज़ निबातात, इलाकाई मुनासबत से वज़ा मुतारिफ कराना, जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को मुरतब करना और बिलखसूस किसानों और कौमी और सूबाई सतह के मुख्तलिफ तहकीकी इदारों, गैर सरकारी इदारों और ज़रात से मुंसलिक दीगर इदारों तक रसाई को आसान बनाने पर काम हो रहा है। सब्जियात की बेमौसमी और टनल में काश्त को मुतारिफ करा के बहावलपुर और चोलिस्तान के इलाकों में टनल में काश्त होने वाली सब्जियात पर भी बेशकदर काम सरंजाम दिया है, ताकि टनल में काश्त फसलात की बेहतरीन वैरायटी का जायजा लिया जाए, जहरों का कम अज कम और समझदाराना इस्तेमाल करवाया जाए और जहरों से पाक सब्जियात का बंदोबस्त किया जाए। इस सिलसिले में इदारे के साइंसदानों ने टनल फार्मर्स को तरबियत फराहम की और इनकी फील्ड में जाकर रहनुमाई की, ताकि इलाके में सब्जियात की बेमौसमी और टनल में काश्त को मुतारिफ कराया जा सके। बहावलपुर डिवीजन बशमूल सहराए चोलिस्तान के जेर काश्त इलाकों में फलदार पौधों की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए इदारे ने इनके मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक का काम शुरू किया। इस सिलसिले में इदारे के दोनों तहकीकती फार्म्स पर आला और खालिस अकसाम के मुख्तलिफ फलदार पौधों को काश्त किया गया, जिनमें खजूर की आला अकसाम, पेवंदी बेर की बेहतरीन अकसाम, अनार की आला अकसाम, अमरूद व अंगूर, इंजीर, फालसा, जामन, किन्नू की बेहतरीन और अच्छी पैदावारी सलाहियत वाली अकसाम का मदर ऑर्चर्ड कायम किया, जिसका मकसद किसानों को पैवंदकारी के लिए बेहतरीन अकसाम की कलमें और नर्सरी के पौधे दस्तियाब बनाना और अमली तरबियत का भी अहतमाम करना शामिल है, ताकि लोग इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुनासिब मुनाफा बख्श काश्तकारी कर सकें। इदारे में फलदार पौधों की नर्सरी भी कायम की गई है, ताकि इलाके के काश्तकारों को बेशकीमत फलदार पौधों की मुख्तलिफ अकसाम बीमारियों से पाक और आला नस्ल के पौधे मुनासिब नरखों पर फराहम किए जा सकें। सहराए चोलिस्तान कुदरती तौर पर उगने वाले कदीमी अद्वियाती पौधों का मंबा है। इदारे ने चोलिस्तान का सर्वे करते हुए इन तमाम पौधों की शनाख्त तो तफसील मुरतब की है और इनमें से बेशतर अद्वियाती पौधे जो सहराई जमीन और मौसमी हालात के लिए मौजू हैं, मसलन इसबगोल, कलौंजी, सौंफ, अजवाइन वगैरह की पैदावारी टेक्नोलॉजी तरतीब दी है, ताकि इलाके के किसान इसको अपना कर अद्वियाती पौधों की बेहतर और मुनाफा बख्श काश्त करते हुए अपने ज़राए आमदनी में इजाफा कर सके, क्योंकि अक्सर अद्वियाती पौधे कम अरसे और कम लागत से उगाए जा सकते हैं, यानी कम लागत और मुनाफा ज्यादा। बैनुल अक्वामी और मुल्की इदारों के तआवुन से रोगनी अजनास, चारा जात, अनाज और दालों की फसलात का मुख्तलिफ अनवा के बीजों पर मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक करके अच्छी सलाहियत की हामिल अकसाम के बेहतरीन मवाद को मुंतखब करके इलाके की मुनासबत से इस पर मजीद तहकीक जारी है। सहराई इलाकों बिलखसूस बहावलपुर और चोलिस्तान में शदीद किल्लत व अफादियत को मद्देनजर रखते हुए इदारा सहराई इलाकों के लिए आबपाशी के जदीद तरीकों पर तहकीक व तरवीज का काम कर रहा है, जिसमें कतरा कतरा आबपाशी, घड़ों के जरिए आबपाशी, मसनू बारिश का तरीका, खेलियों के जरिए आबपाशी और घड़ों के जरिए आबपाशी, प्लास्टिक पाइप और लॉन्ड्री बैग के जरिए आबपाशी पर तहकीकी काम भी पूरी मेहनत और जाफिशानी से जारी है, ताकि इलाके के लोग इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकें।
कलराठी जमीनों की सलाह के लिए टेक्नोलॉजी को मुरतब किया गया, जिसके तहत कपास, जौ, गंदुम और खुश्क इलाकाजात के फलदार पौधों को नमकियात और कलर जदा जमीनों पर टेस्ट किया गया, जो कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर के साइंसदानों की काविशें थी। इस सिलसिले में किसानों के खेतों में नुमाइशी प्लाट लगाए गए ताकि टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंच सके। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बहावलपुर ने खारे पानी में मछली पालने पर तहकीक की है, जिसका मकसद खारे पानी और कलर जदा जमीनों को, जो कि जरई इस्तेमाल में पूरी तरह नहीं ला जा सकती, को फिश फार्मिंग के इस्तेमाल में लाना है। इस तहकीक के नतीजे में सूबा पंजाब और सिंध में मौजूद खारे पानी को मछली पालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और बढ़ती हुई आबादी के लिए प्रोटीन वाली खुराक यानी मछली की पैदावार में भी इजाफा होगा। इसके अलावा इदारे की ये कोशिश रही है कि इलाके के काश्तकारों की जदीद खतूत पर तरबियत का अहतमाम भी किया जाए। इस सिलसिले में इदारे ने मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्रामों के जरिए चोलिस्तान और बहावलपुर के दूर दराज दही इलाकों में किसानों को जदीद ज़राअत पर मबनी जामे ट्रेनिंग दी, ताकि इलाके के काश्तकारों को जदीद और मुनाफा बख्श तरीकों से भरपूर आगाही दी जा सके। आउटरीच प्रोग्राम के तहत इदारे ने मुख्तलिफ ज़रई तहकीकी तंजीमों, यूनिवर्सिटियों और गैर सरकारी इदारों के दरमियान महारतों के तबादले और तरबियत के लिए एक मरबूत निज़ाम वज़ा किया है, ताकि इलाके के काश्तकारों की ज़रई पैदावार में इजाफा किया जा सके। मसलन अलसादिक डेजर्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, किसान वेलफेयर फाउंडेशन, दो आबा फाउंडेशन, FFC और दीगर ज़रई तहकीकती इदारों और यूनिवर्सिटियों के इश्तराक से वक्तन फवक्तन तरबियती प्रोग्रामों का अहतमाम किया जाता है। कुदरती वसाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोग्राम। अजरी बहावलपुर में रेंज मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री और कुदरती चरागाहों के तहफ्फुज़ और बेहतर पैदावारी सलाहियत के लिए तहकीक व तरवीज, मौसमी तब्दीलियों का जायजा लेना और इन तब्दीलियों का ज़रई पैदावार पर होने वाले असरात का तायुन करने और इसके हल के लिए मौसर इकदामात पर तहकीक व तरवीज का काम जारी है। इदारे ने घास की वो इकसाम मुतारिफ करवाई हैं, जो कि न सिर्फ गज़ाइयत के एतबार से नहायत उम्दा हैं, बल्कि सहरा की सख्त आबोहवा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। सहराए चोलिस्तान के बाशिंदों की ज़रात का दारोमदार ज़्यादातर माल और मवेशी और इनसे हासिल शुदा दीगर अशिया पर है। इदारे ने चोलिस्तान में पाए जाने वाले कदीमी और अच्छी सलाहियत वाले सहराई घास, झाड़ियाँ, दरख्तों को महफूज और इनकी दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तहकीक व तरवीज का काम किया है। इस सिलसिले में 20 से ज़ायद सहराई चारा जात, झाड़ियों, दरख्तों की अकसाम के उसूल को तहकीक के नतीजे में मुमकिन बनाया है। मुतबादिल ज़राए तवानाई का तहकीकी प्रोग्राम, अल्टरनेट एनर्जी रिसर्च प्रोग्राम। दौरे हाजिर में बिजली की शदीद किल्लत के मसले को मद्देनजर रखते हुए इदारा ने मुतबादिल ज़राए तवानाई को ज़रई मकासिद के लिए इस्तेमाल के फरोग पर मुख्तलिफ तहकीकी काम सर अंजाम दिया है। इसमें शमसी और बायोगैस टेक्नोलॉजी के जरिए आपाशी के जदीद तरीकों पर तहकीक के नतीजे में टेक्नोलॉजी वज़ा की गई है, जिससे इलाके के किसान मुस्तफीद हो सकते हैं। तहकीकाती इदारा बराए खुश्क इलाकाजात बहावलपुर की तमाम काविशों का मकसद चोलिस्तान को सरसब्ज बनाना, ज्यादा पैदावारी सलाहियत पैदा करने के साथ साथ गजाई तहफ़ के हसूल गुरबत में कमी और इलाके के लोगों के माशी मसाइल का हल तलाश करना है।